सेठ मोहनलाल का स्वभाव बहुत ही धार्मिक था। वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। सेठ मोहनलाल की बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटा बहू भी शहर में रहते थे। कभी कभी छुट्टियां होती तो वो मिलने आ जाया करते थे। सेठ मोहनलाल के घर में बहुत से नौकर काम करते थे, जिनमें से एक बहुत ही पुराना नौकर महेंद्र भी था। मोहनलाल अपने सभी नौकरों का बहुत ख्याल रखते थे। सेठ मोहनलाल को अपने नौकर महेंद्र पर बहुत विश्वास था। महेंद्र भी मोहनलाल का बहुत ख्याल रखता था, ऐसा मोहनलाल को लगता था। पर सच तो ये था कि महेंद्र अपनेपन का नाटक करते करते मोहनलाल को धोखा दे रहा था। हो गई आपकी पूजा। जय सीताराम बाबूजी। जय सीताराम वीरेंद्र बेटा, ये लो प्रसाद। बेटा, पूजा तो थोड़ी देर की होती है, पर सीताराम तो मेरे मन में रहते हैं, मेरे मुख पर उनका नाम रहता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो बाबूजी। अच्छा, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाता हूँ। सेठानी के जाने के बाद तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो वीरेंद्र। अवनीश और रजनी कई बार फोन करके पूछते रहते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि मेरा बेटा मेरी बहुत सेवा कर रहा है। मोहनलाल को वीरेंद्र पर बहुत विश्वास था। जब भी उनके बेटे अवनीश और बेटी रजनी का फोन आता तो वो उनसे वीरेंद्र की बहुत तारीफ करते। मोहनलाल को ये आभास भी नहीं था कि वीरेंद्र उन्हें गलत दवाइयां दे रहा है। सेठ जी, आपकी दवाई का समय हो रहा है। मैं आपकी दवाई जो खत्म हो गई थी वो ले आया हूँ, आप दवाई खा लो। वीरेंद्र बेटा, इस दवाई से मुझे नींद बहुत आती है। आज वैसे भी माल खरीदने के लिए कुछ बाहर से लोग आ रहे हैं, तुम अकेले कैसे संभालोगे? मैं तो ये दवाई खाकर गहरी नींद सो जाता हूँ। पहले तो मुझे ये दवाई खाकर नींद नहीं आती थी। बाबूजी, अब आपकी बीमारी जो है ना धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसलिए नींद आने से आपको आराम मिलता है। और अच्छी बात है ना, आप सो जाते हैं तो आपके शरीर को आराम रहता है। चलो, अब आप दवाई खा लो। वीरेंद्र को लगता था कि वो धोखा दे रहा है तो उसे कोई नहीं देखेगा। ये तो वीरेंद्र की भूल थी। वीरेंद्र की सारी हरकत तो सीताराम देख रहे थे। प्रभु, हमें अपने भक्त की रक्षा के लिए जाना चाहिए, हमारा भक्त संकट में है। हाँ सीते, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमें कुछ दिनों के लिए धरती लोक पर जाना चाहिए, अपने भक्त की भक्ति का उसे फल देना चाहिए। पर इस कार्य के लिए हमें कुछ समय वहाँ रहना होगा, और मोहनलाल के घर पर तो हमें नौकर को सबक सिखाना है, तो नौकर बनकर ही जाएंगे। अगर हमारे नौकर बनने से हमारे भक्त की रक्षा होती है तो हमें उसमें कोई हर्ष नहीं। चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अपने भक्त सेठ मोहनलाल की मदद के लिए भगवान राम और माता सीता ने साधारण स्त्री और पुरुष का भेष बना लिया और मोहनलाल के पास काम मांगने के लिए पहुँचे। रात का समय था। भगवान राम ने अपने चमत्कार से बहुत तेज बारिश कर दी और सेठ मोहनलाल से रात रुकने के लिए जगह मांगी। मेरा नाम राम है, ये मेरी पत्नी सीता। हम दोनों बहुत दूर से आए हैं, बारिश बहुत तेज हो गई थी। आपका घर दिखाई दिया तो सोचा यहाँ कुछ देर रुकने के लिए आश्रय मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, बड़ा ही सुंदर नाम है सीताराम, बहुत सुंदर जोड़ी है तुम दोनों की। आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर हर आए हुए अतिथि को आश्रय जरूर मिलता है, ये समझ लो ये सीताराम का ही घर है। सेठ जी, आपने हम पर ये उपकार तो कर दिया, एक उपकार और कर दीजिए। हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हमें अपने घर पर नौकरी दे दीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा। हम वैसे तो नौकरी के लिए ही निकले थे, पर ये गांव हमारे लिए अनजान है, इसलिए सुबह से नौकरी की तलाश में घूम रहे थे। ठीक है, मुझे रसोई में खाना बनाने के लिए किसी की जरूरत है और मेरे बगीचे में एक माली की भी जरूरत है। सीता, तुम रसोई का काम संभाल लो और राम, तुम बगीचे की देखभाल कर लेना। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ सेठ जी, चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा भोजन बनाती हूँ, आपको मेरे हाथों का भोजन जरूर पसंद आएगा। एक काम करो, वो सामने कमरा दिखाई दे रहा है, तुम दोनों कुछ खा पी कर वहीं सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह से अपने काम पर लग जाना, तब तक वीरेंद्र और बाकी नौकर भी आ जाएंगे। ठीक है सेठ जी, आप आराम करो, हम दोनों सो जाएंगे। वीरेंद्र हवेली के सामने बने घर में रहता था। अगली सुबह जब वो हवेली में आया तो उसने देखा कि वहाँ पर भगवान राम बगीचे की देखभाल कर रहे हैं और माता सीता रसोई संभाल रही हैं। सेठ जी, आपने ये नए नौकर रख लिए हैं क्या? कल तक तो ये दोनों नहीं थे, आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप नए नौकर रखने वाले हो, मैं एक बार इनकी जांच परख कर लेता। बेटा, दोनों पति पत्नी बहुत भले हैं, मेहनती भी दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह उठकर सीता ने रसोई संभाल ली और राम ने भी पूरे बगीचे को देखो कितने अच्छे से साफ कर दिया। हमें अच्छे नौकर मिल जाएं तो इसमें हर्ज ही क्या है। वीरेंद्र को मोहनलाल का नए नौकर रखना अच्छा नहीं लगा,
उसने सोच लिया था कि वो बहुत जल्द अपने काम को अंजाम दे देगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। मुझे इस बुढ़े की सारी दौलत को हड़पने की कोशिश बेकार नहीं करनी। मुझे ये काम कुछ ही दिनों में पूरा करना है। वीरेंद्र जो सोच रहा था वो तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि स्वयं भगवान राम और माता सीता अपने भक्त की मदद के लिए पहले ही आ चुके थे। एक रात वीरेंद्र ने मोहनलाल के दूध में नींद की दवाई मिला दी थी। वीरेंद्र को लगा मोहनलाल को दवाई का नशा हो गया है, इसलिए वो गहरी नींद में सोया है। यही मौका है, तकिए से इस बुढ़े का मुंह दबा देता हूँ और सारी संपत्ति लेकर भाग जाऊंगा। तभी राम जी और माता सीता वहाँ जाते हैं। हमारे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने देंगे। तुम एक मामूली से नौकर मुझे रोकोगे? तुम्हें तो मैं अभी ढेर कर दूंगा। इस बुढ़े को तो मैंने नींद की दवाई देकर सुला दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अपनी खैर चाहते हो तो दोनों पति पत्नी यहाँ से भाग जाओ। तभी मोहनलाल भी उठ जाता है। मोहनलाल सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था, उसे तो पहले ही राम जी और माता सीता ने खबर दे दी थी कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। वीरेंद्र, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तू मुझे मारकर मेरी संपत्ति लूट कर ले जाने वाला था, ये तो राम और सीता ने मुझे पहले ही बता दिया। मैं तो सिर्फ तेरी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए सोने का नाटक कर रहा था। इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है और वीरेंद्र को पकड़ कर ले जाती है। मोहनलाल पहले ही पुलिस को फोन कर चुका था। सेठ जी, अब हमें चलना चाहिए। अब आपको वीरेंद्र से डरने की कोई जरूरत नहीं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो ना मेरे साथ, यहाँ तुम्हें किसी बात की कोई कमी है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, आपने तो हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें कभी भी नौकर नहीं समझा। पर अब हम और यहाँ नहीं रह सकते, हमें अपने और भी भक्तों की मदद करनी है, उनकी भक्ति का फल प्रदान करना है। अब मैं कुछ समझा नहीं। तभी भगवान राम और माता सीता अपने असली रूप में आ जाते हैं। मोहनलाल की आंखों में आंसू थे। साक्षात सीता राम मेरे सामने। मैं भी कैसा नादान हूँ, मैंने आप दोनों को अपने घर पर नौकरी पर रखा, मैं आप दोनों को पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो माता। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं मोहनलाल, तुम हमारे सच्चे भक्त हो और जो भक्त सच्चे होते हैं दयालु होते हैं, हम उनकी मदद के लिए अवश्य आते हैं। अब तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, वीरेंद्र को उसके अपराध की सजा मिल चुकी है। मोहनलाल को दर्शन देकर भगवान राम और माता सीता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन मोहनलाल अपने बेटा बहू और बेटी दामाद को फोन पर सारी बात बताता है तो वो सब गांव आ जाते हैं। सब भगवान राम और माता सीता को धन्यवाद कहते हैं। आज उनकी कृपा से सेठ मोहनलाल की जान बच गई और वीरेंद्र जैसे अपराधी को उसके किए की सजा मिल गई। सदियों पहले की बात है, एक बार समस्त श्रेष्ठगण और विद्वान पंडित ऋषि मुनि के लिए एक सभा आयोजित होती है, जिसमें महर्षि अशिष्ट, महर्षि विश्वामित्र और नारद जैसे महान विद्वान शामिल होते हैं। वो सभी आपस में इस बात पर चर्चा करते हैं कि भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। उसी सभा में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी भी मौजूद होते हैं। हनुमान जी उन सब की बातों को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। तभी नारद हनुमान की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है और इस बात को तो मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद सभा का समापन होता है, सभी ऋषिगण वहां से प्रस्थान के लिए खड़े होते हैं तो हनुमान जी सबके अभिनंदन के लिए खड़े होते हैं। तो नारद जी हनुमान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण नारायण, क्या बात है हनुमान जी, आप सभी ऋषिगणों का कितना आदर करते हैं। जैसे ही सभा समाप्त हुई आप उनके अभिनंदन के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन एक बात आपको अजीब नहीं लगती? कौन सी बात देव ऋषि जी, आप स्पष्ट शब्दों में कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा है, और फिर एक राजा का ऋषि के रूप में अभिनंदन कैसा, मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती। हनुमान जी देव ऋषि नारद की इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए जब सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो हनुमान जी हाथ जोड़कर उन सब का अभिनंदन करते हैं, लेकिन ऋषि विश्वामित्र के जाने पर वो ऐसा नहीं करते, जिससे इसे अपना अपमान समझकर ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए राम के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरे अलावा सभी ऋषिगणों का अभिनंदन किया
और जानबूझकर मेरी अनदेखी की। इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए। ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, जबकि हनुमान उनके प्रिय भक्त। उनके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे, मगर इस संसार में गुरु का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। इसलिए राम विश्वामित्र के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। काफी सोच विचार करने के बाद राम विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ही बताएं कि इस अवहेलना के बदले हनुमान को क्या दंड दिया जाए। उनकी बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऊंचे स्वर से समस्त सभा कांप जाती है। राम, हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड, और इसे मृत्यु दंड तुम्हारे हाथों दिया जाए, यही इसकी सजा है। अपने गुरुदेव के मुंह से ऐसी बात सुनकर राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हनुमान के लिए अपार प्रेम होते हुए भी ऋषि विश्वामित्र की बात का समर्थन करने पर विवश होकर कहते हैं, हनुमान, तुम्हारा ये दंड क्षमा योग्य नहीं है, तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम अपने गुरुदेव की बात का मान रखते हुए हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं और हनुमान जी असमंजस में पड़ जाते हैं। मगर तभी नारद उनके पास आकर कहते हैं, नारायण नारायण, राम भक्त हनुमान, मेरी मानो तो राम नाम में लीन हो जाओ। हो सकता है उनके नाम में लीन होने से स्थिति में परिवर्तन हो जाए। नारद की बात मानकर हनुमान जी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप करने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान राम नाम में विलीन हो जाते हैं और उधर राम हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। विधि का विधान भी कितना अजीब है, जो अपार स्नेह का भागी है, आज उसी को मृत्यु दंड देने को विवश हूँ। भगवान राम खयालों में खोए हुए ही होते हैं कि तभी उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हो आता है और वो क्रोधित अवस्था में आकर अपना बाण निकाल कर हनुमान की तरफ छोड़ देते हैं, किंतु उनके बाणों का हनुमान पर कोई असर नहीं होता। ये कैसी विडंबना है, मेरे सभी बाण निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं। हनुमान आंखें बंद करके लगातार राम नाम का जप किए जा रहे थे। राम अपनी हर बलशाली शक्तियों का प्रयोग करके थक जाते हैं, किंतु वो हनुमान का बाल भी बांका नहीं कर पाते। राम आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, कुछ भी हो हनुमान, लेकिन तुम्हें मृत्यु दंड तो मैं देकर ही रहूंगा। अपने गुरुदेव को दिए वचन का पालन मुझे करना ही होगा। इतना कहते ही राम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं। वो जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। जमीन से ज्वालामुखी फूट पड़ती है, सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ खड़ी होती है, पर्वत ढह कर गिरने लगते हैं, जंगल में आग लग जाती है, जीव जंतु प्राणी सभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं, किंतु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी राम नाम के जप में लीन रहते हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र भी बेअसर रहता है। राम नाम का जप हनुमान के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इतनी प्रलय और राम नाम की शक्ति दे नारद ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र राम को अपने वचन से मुक्त कर देते हैं। नारद ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि राम नाम की शक्ति स्वयं राम के अस्तित्व से कई गुना अधिक शक्तिशाली है।